वाराणसी जनपद के वरुड़ा पुल स्थित शास्त्री घाट पर 11 नवंबर को प्रजापति समाज का महासम्मेलन आयोजित किया गया। महासम्मेलन में प्रजापति समाज के लोगों ने अपने अधिकारों की मांग उठाई। लोगों ने कहा कि प्रजापति समाज के साथ सरकार को ध्यान देना चाहिए। शिल्पकार जातियों का राजनीतिक भागीदारी में उपेक्षा की जाती है। लोगों ने यह भी कहा शिल्पकार जातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र का भी लाभ दिया जाए। इस दौरान काफी संख्या में प्रजापति समाज के लोग मौजूद रहे। वाराणसी से रिपोर्टर राजू प्रजापति की ये रिपोर्ट।
मैं डॉक्टर चौकीदार निराला प्रजापति और मैं प्रजापति सुशील समाज संघर्ष समिति का प्रमुख और ये 12 सितंबर 1950 में जो शिल्पकार जातियों को जो आरक्षण मिला है संविधान के तहत और आज तक कोई भी राजनीतिक पार्टी न तो इसको महसूस किया न तो एहसास किया। तो आज मैं इस मंच से भारत सरकार को मैं संदेश देने का काम किया हूँ कि अगर समय रहते हुए अगर आप जो है कि शिल्पकार जातियों का सर्टिफिकेट अगर लागू नहीं करते हो तो मैंने अपने मंच से ऐलान भी कर दिया है कि 13 फरवरी को मैं पूरे बनारस में रोड शो करने के लिए मैं बाध्य हूँ। आपका प्रोग्राम कई बजे शुरू हुआ था? प्रोग्राम मेरा लगभग 11 बजे से चालू हुआ था। कब तक चला है? 4 बजे तक चला है। तो आपको क्या लगता है सरकार आपकी इस मांग को पूरी करेगी? बस मेरे हाथ में जो प्रयास है मैं प्रयास कर रहा हूँ, सरकार नहीं करेगी, मैं निरंतर इसके लिए मैं प्रयास करता रहूँगा। जैसा कि मुझे जानकारी मिली है मेरे कुछ सूत्र से कि हाईकोर्ट ने जो है कि इस मांग को सुन लिया है, सुनने के बाद जो है कि सरकार के पास भेज दिया, लेकिन सरकार जो गूंगी बहरी है ये सुनने वाली नहीं है और शिल्पकार जाति को रोड पर आना ही पड़ेगा तब जो है कि ये सरकार सुनेगी, अदरवाइज ये सरकार सुनने वाली नहीं है।